अच्छा जी ने वो जमाना याद किया सन 1982 निकाह फिल्म जब आई थी, बलदेव राज चोपड़ा जिन्हें की हम टी राज चोपड़ा के नाम से जानते हैं, सामाजिक मुद्दों पर अक्सर वो फिल्में बनाते थे। ये एक दर्द भरी फिल्म थी जिसे कि हमारा आचार्य जी ने वीर रस में इस तरह से गाया कि दर्द भी दर्द को भूल गए। हसन कमाल के इसमें बोलते हैं और रवि का संगीत इस गाने में था, और जो गजल के ओरिजिनल गायक है गुलाम अली, और अभी आपके सामने श्रीमान आचार्य जी ने प्रस्तुत की बहुत ही शानदार जो दौर था सन 1982 का, सर ने वो दौर याद किया, बहुत ही सुनहरा दौर था। अब संगीत किस कड़ी में हमारे मैं सर राकेश जी शर्मा को आमंत्रित करता हूँ कि वो रेडियो दिवस पर अपनी यादें और साथ ही अपनी प्रस्तुति। तेरा फरवरी विश्व रेडियो दिवस है, और जैसा कि राजेश जी ने बताया कि ये रेडियो एंड पीस ये आज की थीम रखी है, तो जैसे आज मैंने पढ़ा अपने यादगार रूप में बड़ा अच्छा लगा मुझे, और स्थान सर के यहाँ पे ताकि सारी व्यवस्था यहाँ पे है। राजेश जी ने बताया कि हमारे घर पे भी इस कार्यक्रम को रखने का विचार था इनका, लेकिन सारी व्यवस्थाओं के चलते इन्होंने सर के यहाँ पे इस कार्यक्रम को रखा है। लेकिन थोड़ी सी एक कमी मुझे महसूस हो रही है कि इतने बढ़िया कार्यक्रम के लिए श्रोता थोड़े से कम, क्योंकि ये जो विषय है तो यादगार मंच और क्लासिक रेडियो श्रोता संघ दोनों को बहुत बहुत मेरी तरफ से साधुवाद है। और जैसे ही मैंने पढ़ा एक लाइन है कि कोई लौटा थे मेरे बीते हुए थे, तो ये जो रेडियो है हमारी रग रग में एक प्रत्येक हमारी जो आत्मा बसी हुई है शरीर में प्रत्येक कोशिका के अंदर, तो रेडियो का जो संगीत है वो जो मधुर यादें हैं हमें समाई हुई है रेडियो की। और ये मेरा सौभाग्य है कि इस रेडियो के युग में मेरा जन्म हुआ, और जब मैंने होश संभाला तब से रेडियो को मैंने सुना। अब संस्मरण तो रेडियो के बहुत सारे हैं, जब गांव में हम सर्दी के टाइम पे अलाव जलता था पूरे सारे लोग आसपास के आके ऊर्जा प्राप्त करते थे उस अलाव में, तो वहां पे हमारे मोहल्ले में सिर्फ एक ही व्यक्ति ऐसा था जिसके पास रेडियो था, और हम उसका इंतजार करते थे, हमें जगह नहीं मिलती थी वहां पे, लेकिन हम वहां पास में बैठ जाते थे कि यहाँ पे रेडियो बजेगा और उसमें हम कुछ सुनेंगे। और शाम को जैसा कि भी आचार्य जी ने बताया कि कृषि दर्शन कार्यक्रम आता था और उसमें नंदा जी बेरा जी, तो वो अपने कृषि दर्शन के बीच में एक गीत जरूर सुनाते थे, बड़ा अच्छा मधुर गीत होता था, बड़ी यादें हंसी उन गीतों की, और आकाशवाणी दूर से आता था। अब हमारे पास रेडियो नहीं था तो हम रेडियो वाले को कहते कि थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो, लेकिन उसकी बड़ी अकड़ रहती थी, वो आवाज वही रखता था कि मेरे सेल बीत जाएंगे उसी आवाज में, तो हमें कानों को बड़ा जो किरण अपन 5 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से लगा के 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति को सुन सकते हैं, तो वो उसकी आवृत्ति और कम कर देते तो हमें कानों पर थोड़ा जोर डालना पड़ता था सुनने के लिए। पर एक जुनून था उस चीज का, पढ़ाई अपनी जगह और ये शौक अपनी जगह। कई सारे कार्यक्रम जैसे 5 बजे हम सतर को जाते थे, बिल्कुल कोई रेडियो वाला उधर से जब नाई दफ्तर पाकिस्तानी की जो गजल गायक, जैसे अभी राजेश जी ने गजल सुनाई गुलाम अली की, गुलाम अली की गजल जो है सारी जितनी भी विश्व के अंदर गजल है सबसे क्लिष्ट और सबसे कठिन गजल मानी जाती है, और उस गजल को अगर कोई गा दे तो बहुत बड़ी बात होगी, और बर्फ भी आज राजेश जी आचार्य उस गजल को ये बहुत बड़ी बात है, किसके स्वर लेना किसको गाना, मैं कह रहा हूँ कि अच्छे अच्छे चीज को नहीं गा सकते, उसकी प्रस्तुति आप आपने सारे अंदरों की इतनी बढ़िया दी उसकी जबरदस्त लगे, और मैं देखा था कि सारे जिसने भी देखा एक भाव विभोर हो गया आपकी नजर में, तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि गुलाम अली का मैं भी फोन फैन हूँ और सारे अंतरे सुना है उस निकाह थी, तो इसके 2 ही अंतर थे। तो नाई दफ्तर की गजल भी मैंने
इससे सुनी थी, मैंने इसको अभी थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले रखा, थोड़ा सा मुझे याद आ जाए, तो उस वक्त सुनी थी और आज मुझे याद आ गई है रेडियो के माध्यम से। इसकी आवाज भी बहुत है, कभी सुनना नहीं देखकर को यूट्यूब के ऊपर पाकिस्तानी गायिका है और बड़ी अच्छी आवाज है, बहुत ही अच्छी गजल गाई। किस्मत मार गई जब